हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को रिजल्ट की काफ़ी टेंशन है और काफ़ी लोगों को ये भी टेंशन है कि काफ़ी बंदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं मांगे कि उनका जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, रिजल्ट की बात करते हैं। अब आपको बताइए कि हमारे मतलब काफ़ी साल से TCS में काफ़ी चेंजेस आए हैं रिजल्ट के, मतलब जो टाइमिंग है उनसे रिलेटेड भी, और जो मंथ का होता है इनका कि इस मंथ में हम लेंगे या फिर इस मंथ में लेंगे, उससे रिलेटेड भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि अभी मैं बंदे का इंटरव्यू वगैरह पढ़ रहा था, तो उसने बताया कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही मेरा रिजल्ट आ गया था, और 20 दिन बाद मेरे पे ऑफर लेटर आ गया था ईमेल के थ्रू ज्वाइनिंग का। तो उसका 20 दिन में सब निमट गया था। इंटरव्यू के बाद अगले या उससे अगले दिन उसका ऑफर लेटर मतलब सॉरी रिजल्ट आ गया, और उसके 20 दिन बाद उसका जो है वो ऑफर लेटर आ गया था ज्वाइनिंग का, सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर। पर जब से कोरोना हुआ है आपको पता ही है कि मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया है और काफ़ी चीज़ों पर इम्पेक्ट भी पड़ा है, तो TCS भी उसी का शिकार है, उस पर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। तो जैसे कि आप खुद से या हम मेरे से रिलेटेड ही देख सकते हो कि मैंने 4 तारीख को अपना वो दिया था इंटरव्यू लास्ट HR का, और आज क्या है, आज 11 तारीख है, अब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो पहले के टाइम पे था वो कोरोना वगैरह नहीं था, और इस टाइम पे हमारा जो है कोरोना चल ही रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है, और काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो इस वजह से जो है रिजल्ट आने में देर हो सकती है, पर मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो सिर्फ 1 महीने का लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा बेचैन मत होना और ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आ जाएगा सिर्फ 1 महीने के अंदर। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बंदों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं वो बिल्कुल भी ये मत समझना कि आप जो है वो सेलेक्ट हो ही जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब पहले ही समझ के मत बैठ जाना कि आप सेलेक्ट ही हो जाओगे, ऐसे कोई चांस नहीं है, आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। पर ज़्यादा चांसेस उनके हैं रिजेक्ट होने के जिनका क्राइटेरिया कंपनी से नहीं मिलता है, मतलब कि जिनके डॉक्यूमेंट में जो लिखी है डिटेल्स वगैरह वो कंपनी के हिसाब से नहीं है प्रॉपर, तो उनके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, अच्छी बात है अगर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, पर ये समझ के बिल्कुल भी मत बैठ जाना कि हम सेलेक्ट हो ही गए हैं, अपने घर वालों को ये सबको बता दो, तब तक के लिए वेट करो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उससे खुशी की बात और क्या है। पर दोस्तों रिजल्ट तो आना ही है, चाहे वो सिलेक्शन का है या फिर रिजेक्शन का है, पर वो आएगा, और जब तक नहीं आता है तो मतलब तब तक पॉजिटिव ही सोचना कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। पर ये नहीं कि सबको बता रहे हो भी, थोड़ा वेट करो, रिजल्ट को आने दो, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अगर सेलेक्ट होते हो तो ऑफर लेटर आपका आ जाएगा 20 दिन के अंदर अंदर, ईमेल के थ्रू आ जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे कि आप जानते हो ये व्लॉगिंग का चैनल है, और इस पर हाँ एक कल हमारा व्लॉग आ रहा है, काफ़ी बढ़िया होने वाला है व्लॉग, तो प्लीज़ उसको एक बार जाके ज़रूर देखना और बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल नेक्स्ट डे से स्टे अवेयर।